स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल गुरविंदर होम पर। दोस्तों आज हम एक घर देखने जा रहे हैं जो कि प्रॉपर सोसाइटी के अंदर रहने वाला है, आपका अपना घर होगा ज़मीन से जड़ से, और सेक्टर 115 मोहाली, जो कि बिल्कुल आपका दिल्ली मनाली हाईवे के ऊपर होता है, बिल्कुल इसी लोकेशन के ऊपर। और जो घर रहने वाले हैं आपके, एक अच्छी लुक्स के साथ, एक स्पेनिश डिज़ाइन के साथ, 22 फिट का फ्रंट इसका रहने वाला है और 35 फिट की इसकी डेप्थ। तो आप ये समझ लीजिए कि 90 गज के अंदर आपको घर मिलेगा। डुप्लेक्स डिज़ाइन रहने वाला है आपका, और 1250 स्क्वायर फिट तक का एरिया यहाँ पे तकरीबन कवर्ड किया गया है। कुछ कुछ स्पेनिश टच आपको इस घर के अंदर मिलने वाला है, टाइल वर्क आपको ऊपर मिल जाएगा, सारी खिड़कियाँ ऊपर नीचे हर पे आपको फ्रेम वर्क एक अच्छा मिल जाएगा, और जो सामने की तरफ आपका प्लास्टर है उसको भी एक अच्छी लुक्स के साथ यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। और अगर मैं इस फ्रंट वॉल की बात करता हूँ तो यहाँ पर लैंप्स की आपको लुक्स अलग मिलने वाली है, जैसे खिड़की के ऊपर फ्रेम आपको नज़र आ रहा है और प्लास्टर के ऊपर एक अलग पैटर्न आपको मिल जाएगा। वैसे ही बालकनी में भी आपको जो है ग्रे कलर के साथ रेलिंग मिल जाती है और एक अच्छी स्पेस आपको मिल जाती है। और इसके अलावा जो अगर आप ऊपर देखेंगे आर्क्स हैं या पिलर्स हैं, फ्रेम्स हैं, वो बड़े एक अच्छे फाइन बे के साथ यहाँ पर डिज़ाइन किए गए हैं। तो स्पेनिश लुक जो यहाँ पर पूरी कंप्लीट हमारे घर की मिल जाती है। वाइड रोड्स यहाँ पर मिलने वाली है 40-45 फिट की, और यहाँ से हमारे घर की एंट्रेंस। तो मेन एंट्रेंस पे हमारे पास जो रहेगा हमारा मेन डोर 8 फिट की हाइट का रहेगा, फ्लश डोर रहने वाला है, तो ड्यूल टोन के साथ मिल जाएगा, स्ट्रिप डिज़ाइन हमें यहाँ पर मिल जाता है, लुक्स काफ़ी अच्छी हमें मिल जाती है इस डोर की। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अंदर की तरफ, और डुप्लेक्स डिज़ाइन हमें घर यहाँ पर मिलने वाला है। और जैसे हम अंदर की तरफ आते हैं तो एक डिज़ाइनर टेबल और बुद्धा हमारा बिल्कुल वेलकम करते हुए। तो दोस्तों ये छोटी सी लॉबी हमारे पास सामने की तरफ आ जाती है जैसे ही हम एंटर करते हैं। तो ये छोटा सा एरिया, तो यहाँ पर अगर आप टेबल या कुछ और डिज़ाइन करना चाहते हो तो बड़े आराम से कर सकते हैं अपने गेस्ट का वेलकम करने के लिए। और ठीक इस तरफ जो है आपका ड्राइंग एरिया, और ड्राइंग और डाइनिंग जो रहेगा आपका यहाँ पर 16x11 की स्पेस आपको मिल जाएगी। सीलिंग पर एक अच्छा काम आपको पूरा मिलने वाला है, कंसील लैंप्स के साथ थीम लाइट्स आपको पूरी मिलने वाली हैं, तो लुक्स आपको पूरी प्रॉपर वे के अंदर मिलेंगी। आपके सामने हमने जो यहाँ पर 7-सीटर लगाया, जो 5 सीट्स आपकी पूरी प्रॉपर और 2 सीट्स आपके लिए अलग से यहाँ पर रखी हैं, तो ईज़िली आप जो है इस घर के अंदर 7-सीटर लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे आपको नज़र आ जाएगा कि आपकी खिड़कियाँ काफ़ी बड़ी हैं, और दिन में अगर देखें तो आपको लाइट यहाँ पर पूरी और प्रॉपर वे के अंदर आने वाली है। तो मैं थोड़ा सा शाम के टाइम पर आया हूँ जो कि सूरज अभी ढल रहा है, तो लेकिन फिर भी जो है आपका वेंटिलेशन और लाइट पूरे घर के अंदर आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। और थोड़ा सा इस तरफ आप देखेंगे तो किचन है, और किचन से पहले थोड़ा सा एरिया है जहाँ पर आप इजीली अपना डाइनिंग टेबल रख सकते हैं। 4-सीटर रखेंगे तो आराम से बड़ा आ जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के, क्योंकि 11 फिट की स्पेस है, काफ़ी अच्छी स्पेस है, तो 4-सीटर बड़े आराम से आप रख सकते हैं। और इसके अलावा किचन जो आपकी आती है 9x8 की किचन एल शेप के अंदर मिलेगी, और किचन में भी ऊपर जो है थीम डिज़ाइन आपको पूरा मिलने वाला है सीलिंग के ऊपर। और ड्यूल टोन के अंदर आपको किचन यहाँ पर मिल जाती है, ग्रे और वाइट कॉन्सेप्ट रहने वाला है। ड्यूल सिंक आपको मिल जाएगा यहाँ पर, डबल टैप्स आपको मिलेंगे जो कि एक अच्छे रोटेशनल रहेंगे और लुक्स अच्छी मिलने वाली है। ठीक इसके सामने आपको वेट एरिया के खिड़की आपको पूरी मिल जाएगी और वो एक बड़े साइज़ की। और इसके साथ ही यहाँ पर आपका कैबिनेट जो कि वाइट कलर के अंदर रहने वाले हैं, ग्लॉसी फिनिश रहने वाली है पूरी किचन की, डबल लेमिनेशन पूरा प्रॉपर वे के साथ आपको मिलने वाला है, बड़ा स्मूथ सरफेस आपके काउंटर का। इसके साथ ही आपके स्किन कलर के अंदर जो है टाइल्स, और यहाँ पर आपकी चिमनी की स्पेस, तो एक अच्छे वे के अंदर आपको पूरी किचन यहाँ पर मिलेगी। बड़े बड़े हैंडल्स हैं, अच्छे ड्रॉर्स आपको मिलेंगे, 9x8 एक अच्छा किचन हो जाता है अगर उसको अच्छे वे के अंदर डिज़ाइन किया गया हो, और वो यहाँ पर पूरा सामने की तरफ नज़र आता है। और इसी का साथ है हमारा जो है फर्स्ट बेडरूम, जो कि 13 फिट का बेडरूम आपको 90 गज के घर के अंदर मिल जाता है। 13x12.5 का बेडरूम आपको यहाँ पर मिलेगा, सीलिंग पर एक अच्छा डिज़ाइन है, वॉलपेपर पीछे लगा है, और बेड लगाने के बाद आपके पास जो स्पेस है वो काफ़ी अच्छी हमें मिल जाती है। आप किसी भी एंगल से देखें बेडरूम में बेड के इधर से आए उधर से आए तो आपके पास जो स्पेस है वो पूरी प्रॉपर मिलने वाली है। और ठीक इसके साथ ही यहाँ पर आपको वार्डरोब मिल जाएगी जो कि ड्यूल टोन के अंदर है, साथ में आपको नीचे छोटे से 2 ड्रॉर्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप मिरर लगाएं तो आपका ड्रेसिंग एरिया यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो बजट के अंदर घर है, और बजट के अंदर डिज़ाइन भी आपको अच्छा मिल रहा है, और इसी बजट के अंदर लोकेशन भी है, और इसी बजट के अंदर आपका फर्नीचर को छोड़ के पूरा घर आपको मिल जाता है। तो लुक्स अच्छी हैं, डिज़ाइन अच्छा है, और यहाँ पर हमारा जो रहेगा वॉशरूम जो कि अटैच मिलने वाला है, एक अच्छा टाइल वर्क एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ डिज़ाइन आपको मिलेगा। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम काम है, लेकिन एक अच्छे लेवल का काम आपको मिल जाएगा जो कि आपके बजट के हिसाब से पूरा सूटेबल आपको मिल जाती है। और सेरा की तरफ से आपको जो है फिटिंग्स यहाँ पर मिलने वाली हैं, प्रॉपर आपको खिड़की यहाँ मिल जाएगी,
तो चीज़ों को चाहे कम ज़्यादा लगाया हो लेकिन एक अच्छे वे के साथ आपको यहाँ मिल जाता है। ये नहीं कहूँगा कि मैं अगेन जैसे प्रीमियम लुक्स के साथ आपको मिलता है, क्योंकि इस बजट के अंदर वो सारी चीज़ें देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि वो चीज़ें हो सकती हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉस्टिंग के ऊपर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आपको थोड़ा सा बियर करना पड़ेगा। और यहाँ से हमारा जो है बैकयार्ड की एंट्री, खिड़की आपको साइड पे मिल जाएगी और यहाँ पर हमारा डोर जिसे हम अभी ओपन करके दिखाते हैं और चलते हैं बाहर की तरफ। दोस्तों आगे पीछे जितने भी डोर्स रहेंगे आपके फर्स्ट डोर रहने वाले हैं। और पीछे जाते हैं तो हमारे पास हमारा वॉशिंग एरिया, जहाँ पर इजीली आप अपनी वॉशिंग मशीन रखकर वॉशिंग और क्लोथिंग दोनों कर सकते हैं। और देखेंगे खिड़कियाँ आपको हर तरफ मिलने वाली हैं, इसका मतलब ये है कि आपके घर के अंदर लाइट है, वेंटिलेशन है, वो पूरा है सारे दिन में है, और एक अच्छे वे के साथ आपको जो है यहाँ पर हवा आती रहती है। तो दोस्तों वापस चलते हैं। और दोस्तों आप बता दो, जैसे सेक्टर 115 मोहाली है, यहाँ पर आपका जो है मंदिर, गुरुद्वारा साहब, हॉस्पिटल, स्कूल और इवन आपका जो आईटी पार्क है बिल्कुल आसपास ही आपको बिल्कुल मिल जाता है यहाँ पर। और चंडीगढ़ का डिस्टेंस भी यहाँ से सिर्फ महज आपका जो है 5-7 मिनट का रहता है। तो दोस्तों स्टेयर्स जैसे मैंने बताया था आपको अंदर से रहेंगी, यहाँ पर स्टेनलेस स्टील की रेलिंग रहेगी, ग्रेनाइट स्टेयर्स हैं और खिड़की हर जगह आपको मिलेगी। एक अच्छा एरिया यहाँ पर मिल जाता है, काफ़ी अच्छी रूफ आपको मिल जाएगी। तो जैसे हम स्टेयर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ आते हैं तो हमारे पास यहाँ ग्रीनरी थोड़ी मिल जाएगी हमारी लॉबी के अंदर। तो मैं चाहूँगा कि आप भी ऐसे ग्रीनरी अपने घर के अंदर ज़रूर रखें, चाहे आपका अभी भी कहीं पर रह रहे हैं और आप वीडियो को वैसे देख रहे हैं। तो अगर आप इस घर के अंदर भी आते हैं तो ज़रूर ये छोटी मोटी ग्रीनरी जो होती है हमारे लाइफ स्टाइल जो होते हैं शायद थोड़ा और बढ़ा देती है, तो आप इसे ज़रूर रखें अपने घर के अंदर। तो छोटी सी लॉबी स्पेस और इसी के साथ जो है व्यू बड़ा अच्छा आता है ऊपर से नीचे। और ये एरिया ऐसा होता है कि यहाँ पर जो है एयर बहुत अच्छी ट्रैवल करती है, आपके हर रूम के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन जो है यहीं से बना रहता है ऊपर नीचे, ज़्यादा गर्मी भी नहीं आती ऐसे डिज़ाइन में। और यहाँ पर आपके फ्रंट बालकनी जो बिल्कुल लॉबी के साथ अटैच रहने वाली है, और हमने यहाँ पर भी छोटी सी प्लांटेशन आपके लिए ज़रूर की है। और इसके साथ आपको दिखा दूँ ये जो फ्रंट था हमारे घर का जहाँ पर टाइल वर्क हुआ, नीचे से कई बार अच्छे से नहीं नज़र आता, और ये वो डिज़ाइन जो हमारे घर को स्पेनिश लुक्स दे देते हैं। इसके ऊपर जो रूफ़ है वहाँ पर भी आपको स्लांट डिज़ाइन मिल जाता है जो यहाँ से नहीं नज़र आता। तो अच्छी वुडन डिज़ाइन के अंदर टाइल्स आपको मिल जाती हैं, तो कंसील लैंप्स आपको सारी तरफ आपको मिलने वाले हैं, हर रूफ में, हर जगह पर, सीलिंग पे। तो यहाँ से हमारे घर का जो है थर्ड सेकेंड बेडरूम जो कि 12x10.5 का आपको मिलने वाला है। प्रॉपर बेड लगाने के बाद आपके पास काफ़ी अच्छी स्पेस यहाँ पर भी अगेन मिलेगी, क्योंकि डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा साइज़ आपको मिल जाता है। आप देखिए इस तरफ भी आपके पास काफ़ी अच्छी स्पेस है और यहाँ भी, तो इजीली आप इस बेडरूम का पूरा मज़ा लेते हैं। अपनी वार्डरोब्स लगाने के बाद भी आपको किसी तरह की कोई फिक्र नहीं होती, और ऐसा नहीं है कि किसी एक बेडरूम में जगह कम ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं है। हर जगह पर आपको जो स्पेस है वो पूरी एक प्रॉपर वे के साथ हमें मिल जाती है। तो बजट के अंदर होना और एक अच्छी स्पेस मिलना काफ़ी अच्छी बात है। तो ऊपर नीचे जैसे हमने 3 बेडरूम यहाँ पर डिज़ाइन किए हैं, तो पूरा करते कराते आपका तकरीबन जो है 1250 स्क्वेयर फिट का एरिया कवर हो जाता है। और इस एरिया के अंदर तकरीबन आपने जो है, या जिस बजट के अंदर आपको मिल रहा है, आपने अभी तक जो है फ्लैट्स ही देखे होंगे, तो ये है आपको जो है तकरीबन फ्लैट के रेट के अंदर ही आपको जो है अपना इंडिपेंडेंट हाउस मिल जाता है जो कि सोसाइटी के अंदर है। और खिड़की जहाँ पर आप विंडो एसी या दूसरा दोनों लगा सकते हैं, और यहाँ पर आपका वॉशरूम जो कि अटैच आपको अगेन मिलने वाला है। सैरा की तरफ से फिटिंग्स आपको हर वॉशरूम के अंदर मिलेंगे, यहाँ पे पूरी प्रॉपर जो है टैप्स या बाथ फिटिंग्स आपको सैरा की तरफ से मिलने वाली हैं। तो ब्रांड अच्छा रहेगा, डिज़ाइन नॉर्मल और सिंपल लुक्स के साथ आपको मिल जाएंगे जो कि लाइफ लॉन्ग रहते हैं, एक अच्छे चलने वाले हैं, सिंगल सीट आपको मिल जाती है। और ठीक है यहाँ पर हमारा थर्ड बेडरूम जो कि 12x11 का आपको मिल जाता है, तो अच्छी स्पेस आपको जो है हर बेडरूम के अंदर मिलेगी, लुक्स आपको पूरी प्रॉपर मिलने वाली हैं जो आपने अभी तक देखा है हर बेडरूम के अंदर। सीलिंग पर एक अच्छा डिज़ाइन, और ठीक है यहाँ पर वार्डरोब को हमने थोड़ा सा इनबिल्ट कर दिया ताकि आपके रूम की स्पेस जो है वो ख़राब ना हो, आपके लिए रहे वो पूरी की पूरी, आप पूरा का पूरा उसको यूज़ करें। और दोस्तों जैसे 115 सेक्टर है, यहाँ पर आईटी पार्क जो मोहाली का है वो बिल्कुल पास में ही आपका मिल जाता है, चाहे आप 3-4 मिनट में आपके आप जो है अपने आईटी पार्क में पहुँच जाते हैं। और दिल्ली मनाली हाईवे एक वेल नोन एरिया है यहाँ पर, और देखेंगे नीचे भी आपको बोर्ड्स मिलेंगे हर तरफ। तो दिल्ली मनाली हाईवे है आपकी बिल्कुल, जो कि दिल्ली से मनाली की तरफ अटैच करती है या फिर आपको जम्मू की तरफ जोड़ती है। और यहाँ से चंडीगढ़ का डिस्टेंस भी है, वो भी कोई ज़्यादा नहीं है, 5-7 मिनट का रास्ता सारा ही आपका यहाँ से। मॉल आपको पास मिल जाते हैं, इंटरनेशनल स्कूल हो या नॉर्मल स्कूल हो वो बिल्कुल आसपास मिल जाएंगे आपको, हॉस्पिटल्स आपको आसपास मिल जाएंगे, हाईवे के पास ही आपको घर मिल जाता है।
तो तकरीबन जो हमारी डेली नीड्स की चीज़ें हैं या फिर रोज़मर्रा की हमारे जो ज़रूरतें हैं वो यहाँ पर हमारी तकरीबन इजीली बड़े आराम से पूरी हो जाती हैं। और यहाँ से हमारी खिड़की और इसके साथ हमारा बैक साइड जो बालकनी है हमारी, वहाँ पर हम पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपके पास ड्रेन है तो ईज़िली आप यहाँ पर भी वॉशिंग करना चाहें, क्लोथिंग करना चाहें, तो दोनों कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा घर जो कि 90 गज के अंदर बना हुआ, 22.5 फीट का फ्रंट, 35 फीट की डेप्थ के साथ 3 बेडरूम हॉल किचन। उम्मीद है वीडियो आपको आज की अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए। आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक वॉशरूम रह गया और ये भी अटैच आपको मिलेगा इस बेडरूम के साथ। 3 बेडरूम 3 वॉशरूम आपका कंप्लीट यहाँ पर मिल जाता है, जो कि तकरीबन 1250 स्क्वायर फीट का एरिया आपका कवर हो जाता है। तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और वीडियोस जो है आपकी कहीं मिस ना हो। और हम फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक और शानदार और नए घर के साथ। और इसके साथ मैं इजाज़त लूँगा, आपका दोस्त गुरविंदर, सत श्री अकाल।